तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ WWE के अपकमिंग पेपरव्यू यानी कि समर स्लैम 2020 के बारे में, जो कि नो डाउट WWE का एक काफ़ी धांसू कमाल का मैं जो मर्जी कह लूँ पेपरव्यू जरूर से होने वाला है। एंड गाइस इस वाली वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ समर स्लैम 2020 के अंदर अभी फिलहाल WWE कंपनी की तरफ से जितने भी मैचेस कन्फर्म हैं उन सभी के विनर्स के बारे में कि कौन कौन से सुपरस्टार अपने मैचेस को हमें जीता हुआ नजर आ सकते हैं समर स्लैम 2020 पेपरव्यू के अंदर। तो वीडियो का टाइटल तो आप लोग जान ही गए होंगे क्योंकि ये वीडियो होने वाली है माय रिजल्ट्स प्रेडिक्शंस फॉर समर स्लैम 2020। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप मैच के साथ, जो कि WWE की तरफ से कंफर्म हुआ है और ये होने वाला है द स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस एंड्राडे एंड एंजल गार्सा के बीच। पहले WWE ने दिखाया कि इस तरीके से ज़ेलिना वेगा चाहती ये थी कि भाई मोंटेस फोर्ड वगैरह रेसल ही ना कर पाए समर स्लैम पेपरव्यू के अंदर, इसलिए ज़ेलिना वेगा ने पॉइजन दे दिया मोंटेस फोर्ड को। लेकिन फाइनली ये वाली बात रिवील हो चुकी है कि ज़ेलिना वेगा ही वो कह सकता हूं जिन्होंने एक्चुअली में मोंटेस फोर्ड को जहर दिया, लेकिन मोंटेस फोर्ड ओके हैं इसलिए समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर ये रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप का मैच जरूर से होने वाला है। एंड मुझे क्या लगता है यहाँ पर WWE अंड्राडे एंड एंजल गार्सा को जरूर से जिताने वाली है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे सही लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स की जो रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप रेन है जिस तरीके से उन्हें बुक किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बनती जा रही है और मेरे हिसाब से न्यू चैंपियंस काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ताकि WWE रॉकी टैग टीम डिवीजन को एकदम न्यू बूस्ट दे सके। और इसलिए मेरे जो प्रेडिक्शन होने वाले इस वाले मैच के लिए वो होंगे न्यू रॉ टैग टीम चैंपियन अंड्राडे एंड एंजल गार्सा। नेक्स्ट मैच के बारे में गाइस बात कर लेते हैं, जो कि इस बार होने वाला यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच अपोलो क्रूज वर्सेस MVP के बीच। तो MVP ने क्लेम किया कि भाई रेट्रीब्यूशन वगैरह नहीं आती तो MVP आराम से हरा देते अपोलो क्रूज को और यूनाइटेड स्टेट चैंपियन कहलाते, लेकिन अपोलो क्रूज ने जान मुझ के बुलवाया मैं कह सकता हूँ पूरी ही पूरी रेट्रीब्यूशन को, लाइट्स वगैरह बंजल हुई जिसके कारण डिस्ट्रैक्शन के कारण हमें MVP हारते हुए नजर आए। फिर जैसा आप सभी को पता ही अपोलो क्रूज चैलेंज करते शेल्टन बेंजामिन को और हराने के बाद जो रिंग साइड से बैन अप हो चुके हैं बॉबी लैशली एंड कह सकता हूँ शेल्टन बेंजामिन, जो कि काफ़ी बड़ा हिंट है हम सभी के लिए कि जरूर से अपोलो क्रूज इस वाले मैच के अंदर हमें अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आने वाले हैं। मेरे हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छी थिंग होने वाली कि फाइनली WWE MVP को US टाइटल कह सकता हूँ पूरे सिनेरियो से बाहर रखे और अपोलो क्रूज को ढंग के तरीके से बुक किया जाए, उन्हें ढंग के मैचेस दिए जाएँ और इसलिए मेरी प्रेडिक्शन होगी स्टिल यूनाइटेड स्टेट चैंपियन अपोलो क्रूज। लेकिन गाइस अब नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस बार होने वाला है हेयर वर्सेस हेयर मैच स्मैकडाउन की तरफ से मैंडी रोज वर्सेस सोनिया डेविल के बीच। पहले बैकस्टेज के सेगमेंट के अंदर सोनिया डेविल ने बाल काट दिए सभी के सभी मैंडी रोज के, आई मीन वो काटने सभी वाली थी लेकिन थोड़ी से कट पाए, उससे पहले WWE के रेफरीज वगैरह प्रोडक्शन के मेंबर्स वगैरह आ गए। इसी के चलते WWE ने कहा कि भाई अब तो मैंडी रोज को रिवेंज चाहिए क्योंकि सोनिया डेविल ने उनके बाल काटे। इसी के चलते ये वाला मैच हम सभी को समर स्लैम पेपरव्यू के अंदर दिखाई देने वाला है। एंड जो मेरी प्रेडिक्शंस होंगी इस वाले मैच के लिए वो सीधा सीधा होंगी मैंडी रोज की, मैंडी रोज वाले मैच के अंदर हमें जीते हुए नजर आने वाली हैं कि बात क्या होने वाला है यहाँ पर, मैंडी रोज ट्रेमर या फिर कैंची उठाएंगे और सभी के सभी वाला में काटते हुए नजर आने वाले सोनिया डेविल के समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर। नेक्स्ट मैच के बारे में गाइस बात कर लेते हैं, जो कि स्मैकडाउन की तरफ से ही होने वाला है लेकिन इस बार ये मैच होने वाला है स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच बेली वर्सेज आस्का के बीच। WWE ने आस्का को दो दो स्टोर लाइन के अंदर डाल दिया, दो दो चैंपियनशिप के मैच दे दिए समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर, जो कि नो डाउट एक काफी इंटरेस्टिंग थिंग लगी मुझे क्योंकि WWE ने अगर दोनों फ्रेंड्स के साथ में एक ही दुश्मन रखा है तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि बेली एंड आज कह सकते हैं शाशा बैंक्स के बीच हमें जो लड़ाई है वो जरूर से बढ़ती हुई नजर आएगी इस वाले शो के अंदर। लेकिन इस मैच के बारे में बात कर लें तो नो डाउट आस्का एक काफी अच्छी एंड काफी बेहतरीन मैं कह सकता हूँ सुपरस्टार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वाले मैच के अंदर जो आस्का है वो स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियन बन सकती है, इसलिए जो मेरी प्रेडिक्शन होंगी इस वाले मैच के लिए वो बेली ही होने वाली है एंड बेली इस वाले मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को हमें रिटेन करती हुई नजर आने वाली है। अब ये मैटर नहीं करता शाशा बैंक्स उनकी मदद करें या फिर ना करें, किसी ना किसी तरह बेली आपको इस वाले मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करती हुई आ सकती है नजर। लेकिन कैसे मैं बात कर लूँ नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि रॉ की तरफ से है और ये होने वाला है रॉ की वुमेन चैंपियनशिप का मैच शाशा बैंक्स वर्सेज आस्का के बीच। तो देखो इस वाले मैच के अंदर मैं ये प्रेडिक्शन जरूर से कर सकता हूँ कि आस्का हमें रॉ की वुमेन चैंपियन बनती हुई नजर आए, क्योंकि अगर देख लो WWE मान लो स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियन बना भी देती है आस्का को तो भाई फिर स्मैकडाउन को क्या होगा, स्मैकडाउन में वुमेन चैंपियनशिप कहाँ जाने वाली है, WWE ऐसा तो नहीं है फिर एक और न्यू टाइटल अनाउंस कर देगी या फिर ऐसा
ऐसा भी नहीं कि WWE ने जो ब्रांड स्प्लिट है वो अभी एंड कर दिया, तो इसी के चलते जैसे मैंने आपको बताया कि उस वाले मैच के अंदर बेली मेरे हिसाब से चैंपियनशिप रिटेन करेंगी, लेकिन इस वाले मैच के अंदर मेरे हिसाब से आप सभी को जो साशा बैंक्स है वो अपनी चैंपियनशिप को हारती हुई नजर आ सकती हैं। एंड जो साशा बैंक्स है इस वाले मैच के अंदर हारेंगी, अब चाहे वो बेली के कारण हारे या आई मीन जो बेली उनकी मदद करें आके या फिर बेली जानबूझ के साशा बैंक्स को इस वाले मैच के अंदर हरवाएं, ये वाली बात कन्फर्म नहीं है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शंस जो यहाँ पर होंगी वो होंगी आस्का एज द न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। नेक्स्ट मैच के बारे में गाइस बात कर लेते हैं, जो कि इस बार होने वाला है काफी तगड़ी स्ट्रीट फाइट मैच डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस दी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस के बीच। ये वाला जो मैच है मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज्यादा कमाल का मैच होने वाला है। रे मिस्टीरियो ने यह भी बात अनाउंस कर दी है कि भाई बड़ी मफी जैसे सेथ रॉलिंस के साथ होंगे समर स्लैम पे पर व्यू के अंदर, ठीक उसी तरीके से मैं रे मिस्टीरियो अपने बेटे के साथ होने वाला हूँ और अपने बेटे के कॉर्नर में होऊंगा समर स्लैम शो के अंदर जब ये स्ट्रीट फाइट हमें होती हुई नजर आने वाली है। और भाई नो डाउट ये स्ट्रीट फाइट एक बहुत ही ज्यादा कह सकता है इंप्रेशन डालेगी या फिर एक क्वालिटी वाला कंटेंट जरूर से छोड़ेगी समर स्लैम पे पर व्यू के अंदर। लेकिन इस वाले मैच के मैं विनर के बारे में बात कर लूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि रे मिस्टीरियो कॉर्नर पर होने वाले डोमिनिक के, तो सीधा सीधा मेरे हिसाब से ये इंडिकेशन है कि डोमिनिक को WWE कंपनी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा पुश मिलने वाला है। डोमिनिक अपने WWE के फर्स्ट मैच के अंदर हमें मंडे नाइट रॉ मसाया दी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस को हराते हुए नजर आने वाले हैं। एंड मेरी प्रेडिक्शंस के हिसाब से सेथ रॉलिंस हारेंगे, अब चाहे रे मिस्टीरियो मदद करें इस वाले मैच के अंदर या फिर नहीं, या फिर डोमिनिक भाई कैंडलस्टिक उठा के काफी ज्यादा बुरी तरह मारते हुए नजर आए सेथ रॉलिंस को। लेकिन ना एक पॉइंट ऐसा भी आने वाला है कि सेथ रॉलिंस पूरे मैच के अंदर हमें टेक ओवर या फिर डोमिनेशन अपने दिखाते हुए नजर आने वाला है। लेकिन एट दी एंड डोमिनिक इस वाले मैच को जीतेंगे और अपना डेब्यू मैच जीतेंगे WWE कंपनी के अंदर। नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर लें, जो कि मेरा प्रेडिक्शन वाला मैच होने वाला है। एंड गाइस ये मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच जेफ हार्डी वर्सेस द फिनोमिनल वन एजे स्टार्स के बीच। अभी फिलहाल WWE ने जो कल का स्मैकडाउन का शो है वहां पर ये वाला मैच कंफर्म किया, लेकिन मुझे बताने क्यों ऐसा लगता है कि WWE कंपनी स्मैकडाउन के शो के अंदर कोई क्लीन विनर नहीं दिखाने वाली इस वाले मैच के अंदर। अगर दिखा भी देती या फिर ऐसा होता, देखो मैच शुरू होने से पहले एजे स्टार्स कहेंगे कि भाई ये जो मैच होने वाला है ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए तो है भी नहीं, ये एक सिंगल्स मैच होने वाला है, और जेफ हार्डी इस वाले मैच के अंदर एजे स्टार्स को हरा दें फिर समर स्लैम पे पर व्यू के अंदर एजे स्टार्स वर्सेस जेफ हार्डी फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हमें मैच ऑफिशियली अनाउंस होता हुआ नजर आए। तो इस वाले मैच के मैं विनर के बारे में बात कर लूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जेफ हार्डी जो है वो इस वाले मैच के अंदर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हैं। एजे स्टार्स नो डाउट काफी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन एट द एंड द कैरिस्मेटिक एंजुमन जेफ हार्डी आप सभी को अगर ये मैच होता समर स्लैम शो के अंदर न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट मैच के बारे में गाइस बात कर लूं, जो कि मेरा एक और प्रेडिक्शन मैच है और ये मैच होने वाला है स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच द लूचा हाउस पार्टी वर्सेस शिंसुके नाकामुरा एंड सिजारो के बीच। ये वाला मैच भी WWE ने समर स्लैम पे पर व्यू से जो पहले लास्ट स्मैकडाउन का शो होने वाला है वहां पर ऑफिशियली अनाउंस किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिंसुके नाकामुरा एंड सिजारो किसी न किसी तरह इस वाले मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। लेकिन WWE लूचा हाउस पार्टी को एक और मैच देगी समर स्लैम पे पर व्यू के अंदर जब किकऑफ शो के अंदर चाहिए वाला मैच हो चाहे वो मेन कार्ड के अंदर मैच हो, लेकिन किसी न किसी तरह WWE ये वाला मैच भी दिखाएगी जहां पर शिंसुके नाकामुरा एंड सिजारो एक बार फिर से आप सभी को समर स्लैम शो के अंदर भी अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन गाइस अब मैं बात कर लूं यहां पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि काफी बड़ा मैच होगा समर स्लैम शो के अंदर स्मैकडाउन की तरफ से, और ये होने वाला द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस द फीन ब्रे वायट के बीच। और जैसा मैंने आप सभी को कहा कि भाई इस बार ये नॉन टाइटल मैच नहीं होने वाला, यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच होगा, तो इस वाले मैच के अंदर जो कह सकता हूँ विनर प्रेडिक्शन है वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुझे टफ नजर आ रही है, क्योंकि एक तो WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमन का न्यू लुक दिखा दिया, उनका नवा रूप दिखा दिया, जो कि इस तरफ इंडिकेशन करता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन इस वाले मैच के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रेसल करते हुए नजर आने वाले हैं। प्रोबेबली चांसेस भी ये हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर सकते हैं। लेकिन वहीं द फिएंड के बारे में बात करूं, यहां पर उन्हें देख के ऐसा लगता है कि WWE उनका जिस तरीके से धीरे धीरे मोमेंटम बना रही है रेसलमेनिया 36 के बाद, लगता है ऐसा नहीं है कि जो द फिएंड है वो हम सभी को हारते हुए नजर आने वाले हैं समर स्लैम 2020 के इस वाले मैच के अंदर। तो मुझे बताने क्यों ऐसा लगता है इस वाले मैच के अंदर कहीं ना कहीं से अलेक्सा ब्लिस का काफी बड़ा रोल होने वाला है कि मैच के अंदर विनर कौन होने वाला है, और अगर अलेक्सा ब्लिस गुस्सा होने के बाद भी ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ रहती हैं तो नो डाउट ब्रॉन स्ट्रोमन इस वाले मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, और अगर जो अलेक्सा ब्लिस है वो द फिएंड के साथ रहती हैं तो द फिएंड इस वाले मैच के अंदर हमें चैंपियनशिप को जीते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन कुल मिला के जो सारे अगर मैं चीजें कैलकुलेट करता हूँ प्रेडिक्शन बैटिंग ऑर्ड्स वगैरह सबको कैलकुलेट करके जो आखिरी विनर निकलेगा मेरे हिसाब से इस वाले मैच के अंदर वो और कोई नहीं बल्कि द फिएंड होंगे, जो कि आप सभी के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे समर स्लैम पे पर व्यू के अंदर। लेकिन गाइस अब मैं बात कर लूँ हमारे नेक्स्ट एंड सबसे बड़े मैच के बारे में, जो कि मेन इवेंट हो सकता है प्रोबेबली समर स्लैम शो का, और ये होने वाला है WWE चैंपियनशिप मैच द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन वर्सेस द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर के बीच। जो सभी फैंस है समर
स्लैम पी पर व्यू के लिए कम, लेकिन इस वाले मैच के लिए जो कि इस साल डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियनशिप का काफी ब्लॉकबस्टर मैच है, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। डब्ल्यू डब्ल्यू हर बार क्या करती थी, हर पे पर व्यू के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू टाइटल मैच को छोटा दिखाती थी और यूनिवर्सल टाइटल मैच को बड़ा दिखाती थी, लेकिन इस साल ये चीजें उल्टी पड़ रही हैं क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू टाइटल मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल टाइटल मैच से। लेकिन खैर, इस वाले मैच के अंदर मैं विनर के बारे में बात करूँ तो इस वाले मैच की जो मेरी विनर प्रेडिक्शन होंगी वो होंगी द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन एज द न्यू डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इस वाले मैच के अंदर टीम रेट्रीब्यूशन का अटैक होगा और ये वाला जो मैच है वो नो कॉन्टेस्ट के अंदर हमें एंड होता हुआ नजर आएगा समर स्लैम पे पर व्यू के अंदर। तो गाइज, ये थी मेरी प्रेडिक्शन वाली वीडियो समर स्लैम 2020 के काफी एपिक पे पर व्यू के लिए, क्योंकि यू विल नेवर सॉ इट कमिंग कि कौन कौन से रिजल्ट्स आ सकते हैं। बाकी आपको कैसे लगे आज की ये प्रेडिक्शन वाली वीडियो, नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। चैनल पर नए अगर आप लोग तो कर सकते हैं ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।